प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 2 तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल थलाइवस के बीच में खेला जाएगा। ये मैच में दोनों ही टीम से क्या स्टार्टिंग 7 रह सकती है पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैच के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कितने बजे से मैच स्टार्ट हो जाए, कहाँ पे आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मैच का इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैच नंबर 2 रहने वाला है एंड जो मैच है वो यहाँ पे 22 दिसंबर को खेला जाएगा। बात की जाए टाइमिंग की तो गाइस 8:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा, रात के 8:30 बजे मैच नंबर 2 खेला जाएगा। उसी दिन को टोटल 3 मैचेस होने वाले। मैच नंबर 1 पे ऑलरेडी डिटेल स्टार्टिंग 7 की वीडियो आ चुकी है, आपने नहीं देखा था आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते। एंड वहीं पर बात की जाए वेन्यू की तो गाइस बेंगलोर में ही खेला जाएगा प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑल मैचेस। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग 7 बता दूं। तो गाइस यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग 7 में सबसे पहले सेंटर पे हमें देखने को मिल जाएंगे सिद्धार्थ देसाई। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ देसाई यहाँ पे वाइस कैप्टन है तेलुगु टाइटन्स के एंड मेन रीडर रहने वाले। एंड सेंटर पे हमें सिद्धार्थ देसाई ही देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए सपोर्टर रेडर्स की तो गाइस यहाँ पे हमें लेफ्ट इन पे देखने को मिल जाएंगे रोहित कुमार, एंड रोहित कुमार कप्तान है एंड लेफ्ट इन पे देखने को मिलेंगे। की जाए राइट इन की तो गाइस राइट इन पे हमें देखने को मिल जाएंगे राकेश गौड़ा। जी हाँ दोस्तों, राकेश गौड़ा यहाँ पे मे भी रह सकते या फिर इसके जगह रजनीश भी रह सकते। राकेश गौड़ा या फिर रजनीश, इन दो में से कोई एक यहाँ पे हमें राइट इन पे देखने को मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे राकेश गौड़ा को ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे मौका दिया जाए, बिकॉज राकेश गौड़ा ने लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था एंड परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे राकेश गौड़ा को भी रख सकती है। अब हम बात करते हैं डिफेंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे कवर्स में लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिल जाएंगे सी अरुण एंड वहीं पे राइट कवर पे देखने को मिल जाएंगे सुरिंदर सिंह। दोनों ही बहुत अच्छे डिफेंडर्स हैं एंड कवर्स मैंने आपको बता दिया। एंड वहीं पे बात की जाए कॉर्नर्स के दुकान से यहां पे हमें लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे संदीप कंडोला एंड राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे ऋतुराज कोरावी। कॉर्नर्स भी यहां पे तेलुगु टाइटंस का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड ये रहने वाली है स्टार्टिंग 7 पहले मैच के लिए। मैं आपको फिर से स्टार्टिंग 7 बता दूं तो स्टार्टिंग 7 में सबसे पहले सिद्धार्थ देसाई, रोहित कुमार, राकेश गौड़ा या फिर रजनीश हो सकते, सी अरुण, सुरिंदर सिंह, संदीप कंडोला एंड ऋतुराज कोरावी। इस स्टार्टिंग 7 में क्या चेंजेस आप देखना पसंद करेंगे आप अपनी स्टार्टिंग 7 कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तमिल थलाइवस की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो गाइस तमिल थलाइवस की स्टार्टिंग 7 में हमें सेंटर पे देखने को मिल जाएंगे मंजीत दहिया। जी हाँ दोस्तों, मंजीत दहिया मेन रेडर रहने वाले। एंड बात की जाए सपोर्टर रेडर्स की तो गाइस यहाँ पे हमें लेफ्ट इन पे देखने को मिल जाएंगे के प्रपंजन एंड राइट इन पे देखने को मिल जाएंगे अतुल एमएस। दोनों ही बहुत ही अच्छे रेडर्स है एंड ये मेन रेडर्स रहने वाले मंजीत दहिया, के प्रपंजन एंड अतुल एमएस। एंड वही भी बात की जाए डिफेंस की तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं कवर्स की, तो लेफ्ट कवर पे हमें देखने को मिल जाएंगे साहिल मलिक या फिर आशीष मलिक। आशीष मलिक भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने साहिल मलिक को इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया लेफ्ट कवर के तौर पे, बिकॉज यहाँ पे तमिल थलाइवस की टीम जब भी प्रैक्टिस मैचेस के फोटो शेयर करते थे अपने सोशल हैंडल्स पे, तो यहाँ पे हमें साहिल मलिक लेफ्ट कवर पे देखने को मिलते थे। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि तमिल थलाइवस की जो टीम है वो यहाँ पे साहिल मलिक को लेफ्ट कवर के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल करे एंड अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रहे थे कि प्रैक्टिस के वीडियोज में। एंड मुझे लगता है कि मैचेस में इनको लेफ्ट कवर पे तौर पर रखा जाएगा या फिर आशीष मलिक भी हो सकते। आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकते, साहिल मलिक या फिर आशीष मलिक, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा चांसेस है कि साहिल मलिक हमें लेफ्ट कवर पे देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे बात की जाए राइट कवर की तो गाइस राइट कवर पे रहने वाले कप्तान सुरजीत सिंह। जी हां, सुरजीत सिंह तमिल थलाइवस के कप्तान है एंड कवर्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल जा रहा है। एंड वहीं पे बात की जाए कॉर्नर्स की तो गाइस हमें लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सागर कृष्णा एंड राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सागर राठी। सागर की जोड़ी रहने वाली दोनों कॉर्नर्स में एंड कॉर्नर भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है तमिल थलाइवस की। सो गाइस ये स्टार्टिंग 7 है तमिल थलाइवस की जो यहाँ पे पहला मैच के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग 7 फिर से बता दूं, जो यहाँ पे मंजीत दहिया, के प्रपंजन, अतुल एमएस, साहिल मलिक या फिर आशीष मलिक, सुरजीत सिंह, सागर कृष्णा एंड सागर राठी। एंड इसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकते, आपके अकॉर्डिंग क्या तमिल थलाइवस की स्टार्टिंग 7 रह सकती है आपके अकॉर्डिंग, आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको दोनों टीम के स्टार्टिंग 7 एंड साथ ही साथ मैच का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है। एंड बात रही लाइव स्ट्रीमिंग की तो गाइस आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल्स पे आपको लाइव देखने को मिल जाएंगे। एंड वहीं पे बात की जाए मोबाइल स्ट्रीमिंग की तो गाइस यहां पे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के एप्लीकेशन पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के सभी मैचेस को लाइव देख सकते हो। तो गाइस कमेंट
करके जरूर बताएं कि जो प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 2 है, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करोगे, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस वीडियो को ये पैन करते हैं, अगर आपको थोड़ी पसंद आए इसको को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।